हो जाए बिल्कुल। इसमें कोई वो नहीं है, जो देखने लायक चीज होनी चाहिए वो नहीं है इसमें भाई। सोने की लंका थी रावण की, ये तो पूरा ब्लैक दिखा रहा है। मैंने तो सही ले ली। अच्छा सही है। डायलॉग वाला मूवी के अच्छे डायलॉग है। ऐसा कुछ है नहीं, दाल बोलते हैं कपड़ा भी तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये हनुमान जी का डायलॉग है। आप बताइए, ये कोई डायलॉग है हनुमान जी का? तो मतलब अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आप बिल्कुल बकवास मूवी है। बिल्कुल मतलब देखने लायक है ही नहीं। अच्छा ठीक है, मूवी है ये। मूवी कैसी है? आजकल के जमाने की बढ़िया चल रही है, बढ़िया बनाई है। ऐसे बारे में पढ़ा जाए, कई लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट करो, कई लोग बोल रहे हैं बॉयकॉट करो, कह रहे दो, लेकिन जिसको अच्छी लग रही है वो देख रहे हैं। कई जगह मूवी बैन करने की डिमांड हो रही है। नहीं मूवी तो बढ़िया है। अच्छा मूवी बढ़िया है, बहुत अच्छी पिक्चर है। धार्मिक दोबारा देखने आया हूँ, जो नई पीढ़ी नहीं समझ रही है उनको समझाने के लिए आई है। धार्मिक ये समझ लीजिए, चुनाव कैसी मूवी है, ये कैसी मूवी है, ये समझ लीजिए कैसी मूवी है, क्या क्या करें, दोबारा देख रहे हैं। अच्छा इतनी अच्छी लगी आपको मूवी है, बहुत बढ़िया। अच्छा नेपाल जैसे देश में मूवी बैन कर दी गई है? मैंने देखी नहीं है, मैं देखने जा रहा हूँ। अच्छा जी, आप बताइए नेपाल में मूवी मतलब बैन कर दी है? अच्छा भाई मैं तो सही लगी। अच्छा सही है, डायलॉग वाला मूवी के अच्छे डायलॉग है। ऐसा कुछ है नहीं, धार्मिक पब्लिक खत्म करती है। बोलो मूवी कैसी है? बिल्कुल बकवास मूवी है, बिल्कुल मतलब देखने लायक है ही नहीं। अच्छा क्यों भाई, सही बताऊँ? अच्छा आप ये बताओ, लंका सोने की थी बिल्कुल, कोयले की दिखाई है बिल्कुल, ठीक है मतलब जो जो चीज थी वो तो दिखाई नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं डायलॉग कैसे मूवी है, डायलॉग डायलॉग हनुमान जी का डायलॉग सुनोगे आप? अब मैं क्या बताऊँ, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हनुमान जी? जी सर कैसी मूवी है ये, क्या बोलते हैं? बढ़िया मूवी है। बोलते हैं कपड़ा भी तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, ये हनुमान जी का डायलॉग है। आप बताइए, ये कोई डायलॉग है हनुमान जी का? तो मतलब अब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, आगे लोगों को रिकमेंड करोगे मूवी देखने? बिल्कुल मत देखो। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ 130 रुपए और वापस करो। ये मूवी फ्लॉप जाएगी। फ्लॉप जाएगी क्यों भाई, ऐसा क्यों? फ्लॉप के लिए ऐसा नहीं है, मूवी में कोई स्टोरी नहीं है। डायलॉग वगैरह कैसे मूवी के? डायलॉग वगैरह कोई भी ऐसा नहीं है कुछ। अच्छा स्टोरी बिल्कुल बेकार है, कोई खास नहीं है। कई जगह पे मूवी को बैन कर देगा नेपाल वगैरह में? बैन हो जाए बिल्कुल। अच्छा। इसमें कोई वो नहीं है, जो देखने लायक चीज होनी चाहिए वो नहीं है इसमें। अच्छा। भाई सोने की लंका थी रावण की, ये तो पूरा ब्लैक दिखा रहा है। हाँ सोने की लंका। सर कैसी मूवी है ये? देखो हमको तो अच्छी लगी, बच्चों को मतलब दिखाने की खूब बढ़िया है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है इसी बात का, अगर मान लो आपकी बेटी है ना ये, अगर आज को अगर ये गई थिएटर में, कल को गई जाएगी थिएटर में देखने के लिए, तो ये तो यही सोचते हैं रावण एक्चुअली चमगादड़ पे बैठ के आया था। हाँ ये गलत है, जो आज का पिक्चर बन रही है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। बच्चों के मतलब एक रामायण है, पवित्र ग्रंथ है सर, एक हमारा वेद है, हमारे इमोशंस है, उन्हें कुछ गलत दिखाना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। अब देखो ये दिखाना गलत है सर। अगर मान लो कल को ये बच्चे जाएंगे थिएटर में मूवी रामायण देखने के लिए, वो तो यही सोचेंगे कि राम जी कमजोर थे, रावण बहुत ताकतवर था। जो एक्चुअल जो मूवी है, एक्चुअली हमने रामायण देखी अब तक की, उसमें क्या है कि श्री राम नाम पत्थर पे लिखा गया, तो उसके बाद तैरे थे। मूवी के अंदर क्या दिखा गया, हार्ड पत्थर डाले और वो उसमें तैर गए। ये गलत है कि नहीं है? देखो 3 घंटे की पिक्चर से जो दिखाना था वो सब कुछ दिखाया। अगर वो ये बोल सकते हैं कि सिर्फ अगर आप बोल के नाम पत्थर फेंकोगे तो ये बोलते हैं, अगर आप राम नाम पत्थर पे लिखोगे तो वो तैर जाएंगे, इतनी लाइन बोलने में कितना टाइम और बढ़ जाता है एक्स्ट्रा? देखिए ये तो मैं कह नहीं सकता, जो बनाई उसने अच्छी बनाई है। आप बच्ची कैसी लगी फिल्म तुम्हें? अच्छी फिल्म लगी बेटा। जो रावण किस पे बैठ के आए थे, किस पे बैठ के आए थे रावण जी? पिक्चर देखी कार्टून के पत्थर। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ सर कैसी मूवी है ये? बकवास। क्यों सर क्या हुआ? सनातन धर्म चोट करेंगे, उल्टे सीधे किरदार हैं। अच्छा सब बेकार। मूवी का डायलॉग वगैरह कैसे हैं? सब बेकार, सब बेकार है। तो मूवी चलनी चाहिए, चलनी चाहिए? कई लोग मूवी को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। सोता रहा हूं मैं, 100% होनी चाहिए। अच्छा गलत दिखाया गया। अच्छा अच्छा क्या वैसे आपको इस मूवी के अंदर गलत लगा है? गलत क्या है, डायलॉग गलत है उसमें, जो किरदार जो हमारे रावण तुलसीदास में बताए गए हैं उसमें उसे हटके थे। अच्छा अच्छा जहाँ सीता मैया की वो उसने वो चूड़ामी कंगन भेज दिया उन्होंने, कोई मतलब नहीं है सनातन धर्म, मतलब बता रहे हैं एकदम बिल्कुल मजाक बना के रख दिया। बिल्कुल मजाक बना कर। अच्छा तो ये बैन होना सही है गलत है? बिल्कुल बैन होना चाहिए 100%। अच्छा बच्चे इससे कुछ सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे? कुछ नहीं, बच्चों के लिए कार्टून बना दिया, उससे कुछ सीखेंगे नहीं, इसे
बच्चे ना सीख पाए इसलिए तो कर रहे हैं लोग। अच्छा बिल्कुल, जो बच्चों को जानकारी हम लोग सिखा रहे हैं तो उसके लिए दिखा दिया है गलत। ये होता है जैसे मूवी को कई जगह बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। बिल्कुल करी जाए, कोई दिखाने का मतलब ही नहीं है। अच्छा मैं तो कह रहा हूँ किसी को नहीं दिखाओ, मैं तो कह रहा हूँ अभी भी मूवी के जो शो है बिल्कुल बंद कर दिए हैं। अच्छा मेरी तरफ से तो मतलब मैं अब मैं बोल नहीं रहा हूँ, मतलब भगवान का मजाक बना दिया है। अच्छा कोई बात होती है, एक मिनट हाँ किस तरीके। बिल्कुल मतलब देखो तो सही, मतलब हम लोगों के सोच क्या है, लोगों ने क्या सोचा कि हनुमान जी ऐसे थे और रावण रावण ऐसा था? नहीं था रावण, रावण भी कहते हैं वो भक्त था। किसका भक्त था? महादेव का भक्त था। ठीक है, अब उसमें सब गलत दिखा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि देखी जाए। नहीं बिल्कुल नहीं, नेपाल जैसे देश में बैन हो गई, अब इंडिया में भी बैन करने की, अब इंडिया में बैन नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे तो दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे वाली जनरेशन को क्या, जो वो देखेगा वही समझेगा। सर बोल रहे हैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। धन्यवाद।